हो जाएगा। डिंपल जी, अखिलेश जी सीधे तौर पर कह रहे हैं कि बजट में कुछ नहीं है, क्या कहेंगे मैम? मैं समझती हूँ जहाँ 10 साल का बजट गुजर गया प्रस्तुत हुआ है संसद में, आज 11वीं साल का ये बजट प्रस्तुत हो रहा है, जो पिछले 10 सालों में जहाँ मैं देखा है कि लगातार अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी बढ़ी है देश में, लगातार महिला सेफ्टी का इश्यू है आज भी देश में, और इसी के साथ जो हमारे किसानों को MSP नहीं मिल पा रही है, हमारी बिजली कम नहीं हो पा रही है, और हमारे टैक्सेस जो होते हैं खाद जो डालते हैं किसान हमारे उसमें कम नहीं हो पा रहे हैं, तो मैं समझती हूँ इस बजट में मैं समझती हूँ किसानों के लिए भी निराशाजनक है, युवाओं के लिए भी निराशाजनक बजट है। महिलाओं को लेकर क्या, क्योंकि आप जो हैं महिला सांसद भी हैं, किस तरह से महिलाओं को लेकर आप बजट में देखते हैं, कुछ है या फिर? आई थिंक महिला सेफ्टी के इशू में कुछ प्रावधान होना चाहिए था बजट में, इसी के साथ न्यूट्रिशन पे भी प्रावधान होना चाहिए था बजट में, और कैसे हम महिलाओं को और आगे बढ़ा सकते हैं, फाइनेंशियली सपोर्ट और मजबूत कैसे कर सकते हैं, तो इन सब की अनदेखी की गई है और अब बजट पढ़ के बाकी का। डिंपल जी 10 में से कितना नंबर देंगी अगर डिंपल जी? मैं अभी नंबर नहीं देना चाहूंगी क्योंकि अभी इस बजट में पढ़ना पड़ेगा उसको विस्तार से। उत्तर प्रदेश को लेकर क्या देखती हैं कि उत्तर प्रदेश जिस तरह सरकार ने बिहार और आंध्र प्रदेश को सपोर्ट किया है ये अच्छी बात है, लेकिन जहां उत्तर प्रदेश ने 80 लगभग 70 सांसद पिछले 2 बार में दिए हैं और इस बार भी लगभग 32-33 सांसद जहां हैं भाजपा के, तो उत्तर प्रदेश की पूरी तरह से अनदेखी करी गई है इस बजट में, लगातार 11वें साल भी उत्तर प्रदेश की अनदेखी इस बजट के द्वारा हमें दिखाई दे रही है। धन्यवाद। तो ये सीधे तौर पर डिंपल यादव को सुन रहे थे, राकेश कुमार सिंह, इंडिया न्यूज़, दिल्ली।